हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। यानी एक एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर एक हमारा स्पेस स्टेशन है जो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, क्या वो ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सकता है? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटी। बाय द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। हमें पता है इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, जो हमारा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हम उसे कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है हमारा वेटलेसनेस फील करता है। बट इन द स्पेस स्टेशन जो हमारा अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, उसका लास्ट साइज है सच डेट जो वेरियस इन मैटर्स इन द केस ऑफ एस्ट्रोनॉट इनसाइड द स्पेसशिप, वो सब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और हेंस वो ग्रेविटी भी डिटेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका, जैसे मून पे ड्यू टू लार्ज साइज ग्रेविटी कैन बी डिटेक्टेड। सो हम इसे लिख लेते हैं, इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज जी कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट, कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट एंड हेंस एस्ट्रोनॉट फील वेटलेसनेस। फील्स वेटलेसनेस। बट इन द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एज अ लार्ज साइज, सच डेट वेरियस इन मैटर्स इन द केस एस्ट्रोनॉट इनसाइड द स्पेसशिप विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस कैन डिटेक्ट ग्रेविटी। हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइक ऑन द मून ड्यू टू लार्ज साइज ग्रेविटी कैन बी डिटेक्टेड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।